हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आपको इस चैनल पर यूट्यूब फेसबुक से रिलेटेड न्यूज़ और उन सब से हटकर जितनी भी डेली की इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चलो गाइस, बढ़ते हमारी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है आनंद महिंद्रा की तरफ से। आनंद महिंद्रा जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इन्होंने 2021 में एक प्रॉमिस करा था इडली अम्मा से, जिसमें इन्होंने बताया था कि वो एक हाउस गिफ्ट करेंगे इडली अम्मा को। हाउस गिफ्ट करने के पीछे का रीजन ये था, इडली अम्मा जो कि 80 ईयर्स की हैं और पिछले 30 साल से तमिलनाडु के अंदर वो इडली बेच रही हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। उस प्लेस पे जितने भी दिल्ली के वेज लेबर्स और वर्कर्स काम करते हैं, इडली अम्मा उनको और उनकी फैमिली को 1 रुपए में इडली बेचती थी। तो जब इन अम्मा के बारे में आनंद महिंद्रा को पता लगा कि इडली अम्मा बिना किसी प्रॉफिट के इडली बेच रही हैं, तो आनंद महिंद्रा ने एक प्रॉमिस करा इडली अम्मा को कि वो एक हाउस गिफ्ट करेंगे। और 2022 में मदर्स डे पे आनंद महिंद्रा ने अपना प्रॉमिस फुलफिल करा। आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट करते हुए बताया, इमेंस ग्रेटिट्यूड टू आवर टीम फॉर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इन टाइम टू गिफ्ट इट टू इडली अम्मा ऑन मदर्स डे। शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मदर्स नर्चरिंग, केयरिंग एंड सेल्फलेस, अ प्रिविलेज टू बी एबल टू सपोर्ट हर एंड हर वर्क। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। और इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट करी है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि इडली अम्मा अपने न्यू हाउस में एंटर कर रही हैं। सीरियसली यार, आनंद महिंद्रा मसीहा बन के आए हैं इडली अम्मा के लिए। तो चलो गाइस, बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। वैसे यार, मुझे स्टोरी दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन चलो देख लो, तुम फनी भी है। एक आजम अंसारी हैं जो कि सलमान खान की डबिंग और उनके गानों पर रील्स बनाते हैं। एक्चुअली वो करते क्या थे, नंगे पंगे होकर सड़क पे घूमते थे और ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करते थे और सलमान खान के गानों पर रील्स बनाते थे। तो जब वो अपनी लास्ट वीडियो बना रहे थे नंगे पंगे होके, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको कस्टडी में ले लिया और उनके ऊपर सेक्शन 151, जिसका मतलब शांति भंग करना होता है। वैसे अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो यह बिल्कुल सही करा, क्योंकि अगर तुम्हें रील्स बनानी है तो अपने घर बैठ के बनाओ या अपने गार्डन में बनाओ, पार्क में बनाओ, लेकिन यार बीच सड़क पर ऐसे नंगे होकर रील बनाना अच्छी बात नहीं है। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करा है किसी ने, जिसमें उन्होंने कहा है ताजमहल के अंदर जितने भी क्लोज रूम्स हैं उनको ओपन किया जाए। इस पिटीशन में उस आदमी ने, जिसकी अभी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता है, उन्होंने कहा है ताजमहल के अंदर 22 रूम्स हैं जिनको खोला जाए और ताजमहल का रियल सच क्या है वो सबके सामने आना चाहिए। सही में यार, बहुत ही वियर्ड पिटीशन फाइल करा है। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है मुनावर फारूकी की तरफ से। मुनावर फारूकी जो कि एक कॉमेडियन और एक एक्टर है, वो कुछ टाइम पहले एक शो में गए थे लोकअप और कल उस शो का बिना अनाउंसमेंट हुआ है। एंड गेस व्हाट, मुनावर फारूकी वॉन्टेड। उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बताया ट्रॉफी डोंगरी आ रही है और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट करी, आप देख सकते हैं। सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।